साल 2017 की सबसे बड़ी फिल्म बनी बाहुबली 2 और सबसे बड़े स्टार बन गए प्रभास। फिल्म की सफलता के बाद लगभग हर बॉलीवुड निर्माता निर्देशक प्रभास को लॉन्च करना चाहते थे, यहां तक कि करण जौहर ने भी सुपरस्टार को अप्रोच किया। लेकिन काफी समय बीत चुका है और प्रभास के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन बता दें, इसके वजह खुद प्रभास ही है। असल में करण जौहर प्रभास को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन प्रभास ने इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग कर दी। जाहिर है करण जौहर के लिए बहुत ज्यादा लगी, क्योंकि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार भी इतनी राशि नहीं लेते हैं। फिर इसके बाद करण जौहर ने प्रभास को बॉलीवुड में लॉन्च करने का फैसला बदल दिया। इस समय प्रभास अपनी नई फिल्म साहो पर काम कर रहे हैं, जो कि 3 भाषाओं तमिल, तेलुगु और हिंदी में बनाई जा रही है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर, चंकी पांडे, जय की श्रॉफ और नील नितिन मुकेश जैसे बॉलीवुड कलाकार भी हैं।